अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूं जो नॉनवेज में सबकी फेवरेट होती है। मेरे हाथ की ये रेसिपी मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आती है। अगर आपको भी यह रेसिपी बनानी है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपको मेरी रेसिपी की वीडियो पसंद आती है तो मेरी रेसिपी की वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए बनाते हैं इंटरेस्टिंग सी चिली चिकन की रेसिपी। यहाँ पर मैंने 800 ग्राम चिकन लिया था। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। वैसे तो चिकन चिली के अंदर बोनलेस चिकन लेते हैं, पर मैंने बोनलेस चिकन नहीं लिया है क्योंकि ये रेसिपी मैं कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ। अब इसके अंदर तो 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 2 ही चम्मच सोया सॉस डालेंगे और इसके बाद इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, जैसा भी आप लोग खाना पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा। अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून फूड कलर या फिर जर्दे का कलर डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब चिकन को 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। रेफ्रिजरेटर में रखना चाहे तो रेफ्रिजरेटर के अंदर रख सकते हैं, बाहर रखना चाहे तो बाहर रख सकते हैं। इस टाइम पे इसका टेक्सचर इस तरह का होना चाहिए। अब एक सॉस प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले डार्क सोया सॉस लेंगे 2 टेबल स्पून, इसके बाद 3 टेबल स्पून यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस लेंगे। अगर आपके पास रेड चिली सॉस है तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून रेड चिली सॉस ली है। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम काली मिर्च लेंगे पिसी हुई, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके बाद 1 टेबल स्पून ही यहाँ पर हम वेनेगर लेंगे, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। आप एक एक करके मेरे सारे टिप्स को फॉलो करते जाइए। अब एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर तेल थोड़ा ज़्यादा लेंगे। तेल को हमें तेज़ आंच पर गर्म होने के लिए रखना है। जब तेल हमारा थोड़ा तेज़ गर्म हो जाए, इसकी हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है। इसके बाद हमें एक एक करके चिकन के सारे पीसेस को हाफ कुक करना है, उसके बाद दोबारा से फ्राई करना है ताकि चिकन हमारा ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से कुक हो जाए। जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल कर चिकन को अलग रखें। अब 5-6 लहसुन की कलियां लें जिनको बारीक कट कर लीजिए। उसके बाद इनको ऑयल के अंदर डाल के हल्के हल्के फ्राई करेंगे। 5 से 6 इंच का अदरक का टुकड़ा लेके उसको भी बारीक कट करके हल्के फ्राई करें। अब थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन, इनको ग्रीन प्याज भी बोला जाता है, इनको भी कट कर कर इसके अंदर 1 से 2 मिनट के लिए तेल के अंदर फ्राई करें। अब जब ये हल्के हल्के भुन जाए तो इनको निकाल लेते हैं एक अलग बर्तन में। अब 2 ग्रीन शिमला मिर्च, 1 येलो शिमला मिर्च डालकर इन्हें भी हल्का फ्राई करना है। येलो मिर्च ऑप्शनल है, डालना चाहे डाल सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें टोमेटो प्यूरी डालनी है। यहाँ पर मैंने 6 टमाटर को पीस कर उनकी प्यूरी बनाई थी, इनको भी अच्छे से भूनना है। अब 4-5 मिनट भूनने के बाद इसमें चिकन ऐड करें। अब इस टाइम पर इसमें कटी हुई शिमला मिर्च, सॉस। अब अदरक लहसुन और स्प्रिंग अनियन को भी इसके अंदर ऐड करना है। यहाँ पर मैंने 4 प्याज को इस तरह से कट किया था, वो भी इसके अंदर ऐड करनी है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करना है, जैसा भी आप लोग खाना पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा। यहाँ पर चिकन को अराउंड 5 से 7 मिनट तक थोड़ा सा बॉयल आने दीजिए, जिससे कि जो चिकन हमने ग्रेवी में डाला है वो अच्छे से पक जाए। अब आपका चिली चिकन सर्विंग के लिए रेडी है। आप इसे चाउमीन के साथ, फ्राइड राइस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।